राजस्थान में मानसून कहीं ऐसा मेहरबान हुआ कि लोगों के चेहरे खिल गए और कहीं ऐसी आफत मचाई कि लोगों की परेशानी बढ़ गई। चलिए आपको बताते हैं आगे राजस्थान में कैसा मौसम रहने वाला है, कहां कैसी बारिश होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, इसके अलावा भरतपुर और दौसा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश दौसा के बांदीकुई में 91 मिलीमीटर, सिकराए में 76 मिलीमीटर और भरतपुर के भुसावर में 91 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर के छत्तरगढ़ में 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री फलौदी में और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री बाड़मेर में दर्ज किया गया है। सोमवार को उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर चित्तौड़गढ़ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 2-3 दिन जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने की प्रबल संभावना है। सोमवार को शेखावटी क्षेत्र और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 9 से 10 जुलाई को भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 11 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने और केवल छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में अभी तक कितनी बारिश हो चुकी है, अब वो भी जान लीजिए। पिछले एक सप्ताह से लगातार मानसून राजस्थान के कई इलाकों में सक्रिय है और इस सीजन में अब तक यदि पूरे प्रदेश में बारिश की बात करें तो सामान्य से 15% ज्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य से देखें तो 27% ज्यादा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 3% कम है। जिलावार यदि देखें तो सबसे कम बारिश जालौर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुई है, यानी दक्षिणी राजस्थान में सामान्य से कम बरसात जो है वो रिपोर्ट हुई है। सबसे कम जालौर में सामान्य से 60% नीचे है। इसके अलावा सिरोही में देखें तो सामान्य से 38% बारिश नीचे दर्ज हुई है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा जिलों में भी सामान्य से यानी 20% से नीचे बारिश जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो कुल मिलाकर इस सीजन में अब तक पूरे प्रदेश में 97 mm बारिश रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 15% अधिक है। तो आगामी दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है ये हमने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके जिले में कैसा है मौसम का हाल, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।